हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती के बारे में और जीआईसी प्रवक्ता के बारे में भी बात करेंगे। काफ़ी समय से इस भर्ती का इंतज़ार हो रहा था और अभी कुछ दिन पहले ही खबर निकल कर आ रही थी कि लगभग 12,000 पदों पर भर्ती होगी एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता दोनों मिलाकर। 7,000 के आसपास एलटी ग्रेड और 5,000 के लगभग में जीआईसी प्रवक्ता की रिक्त होने की सूचना मिली थी। लेकिन दोस्तों, कल प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान ने ये जानकारी दी है कि पदों की संख्या में भारी कटौती हो गई है। जीआईसी प्रवक्ता में तो बेहद कम पदों पर विज्ञापन निकलने वाला है, सिर्फ 400 पदों का ही अधियाचन अभी तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को मिला है। जबकि अभी तक बताया जा रहा था कि एक बहुत बड़ी और बम्पर भर्ती होगी जीआईसी प्रवक्ता की, तो 400 पद बहुत ही ज़्यादा कम हैं और इतने पदों पर यदि भर्ती आई तो फिर इसमें जो आम प्रतियोगी छात्र हैं उनका कुछ नहीं होगा। लाखों बेरोजगार छात्र नई भर्ती का इंतजार कर रहे थे और अब अपडेट ये निकल कर आ रही है कि सिर्फ 400 ही पद हैं जीआईसी लेक्चरर के। 400 में 280 पद पुरुष वर्ग के हैं और 120 पद महिला वर्ग के हैं। वहीं पर बात करें एलटी ग्रेड की, तो 5,418 पदों का अधियाचन यूपीपीएससी को प्रेजेंट टाइम में प्राप्त हुआ है। जिसमें बात करें पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में, तो पुरुष वर्ग में 3,341 पद हैं और महिला वर्ग में 2,077 पद हैं। और बात करें विषयवार पदों की संख्या की पुरुष वर्ग और महिला वर्ग में, तो फिलहाल दो विषयों की जानकारी प्राप्त हो गई है, हिंदी और सामाजिक विज्ञान की। हिंदी पुरुष वर्ग में 315 पद हैं, वहीं महिला वर्ग में 65 पद हैं। और सामाजिक विज्ञान पुरुष वर्ग में 359 और महिला वर्ग में सिर्फ और सिर्फ 51 पद हैं। तो यदि इतने पदों पर विज्ञापन आता है जो फिलहाल यूपीपीएससी के पास अधियाचन है, तो पदों की संख्या नाकाफी है और छात्र ये मांग कर रहे हैं कि पदों की संख्या को बढ़ाया जाए, कम से कम जितने पद रिक्त हैं उतने का तो अधियाचन लेकर विज्ञापन निकाला जाए। एक लंबा इंतजार हो गया है एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती का। पिछली भर्ती 2018 में आई थी, लेकिन वो काफ़ी बड़ी भर्ती थी, 10,767 पद थे सिर्फ और सिर्फ एलटी ग्रेड में। हालांकि उसमें लगभग 3,500 पद खाली रह गए थे, क्योंकि जो छात्र हैं वो मिनिमम पासिंग नंबर को पार नहीं कर पाए थे। पिछली भर्ती के ही 3,500 पद खाली हैं। यदि उन सभी पदों का अधियाचन आ जाए नए भर्ती में, तो पदों की संख्या ऐसे ही बढ़ जाएगी। सरकार ये लगातार दावा कर रही है कि हमने नए राजकीय इंटर कॉलेज बनाए हैं, नए पदों का सृजन हुआ है। तो आखिर इन पदों पर भर्ती क्यों नहीं निकल रही है? यदि नए पदों का सृजन हुआ है, लगातार शिक्षक रिटायर भी हो रहे हैं, शिक्षकों का प्रमोशन भी हुआ है, तो ये तमाम अगर पद देखे जाएं तो 10,000 के आसपास पदों पर तो भर्ती आनी चाहिए थी और कम से कम 7,000 पर तो आ जानी ही चाहिए थी, जो बताया गया था कि पद रिक्त हैं अभी कुछ ही दिन पहले। और चलिए एलटी ग्रेड में तब भी ठीक ठाक है, 5,500 के आसपास अधियाचन है और कुछ और भी पद आ जाएं तो पदों की संख्या बढ़ जाती है। और यूपीपीएससी में आपको पता ही है कि जब तक प्री का रिजल्ट ना जाए पदों की संख्या के बढ़ने के चांसेस रहते हैं, जैसे अधियाचन मिलता है उसे विज्ञापन में जोड़ जाता है। लेकिन जो जीआईसी लेक्चरर की भर्ती है सिर्फ 400 पद हैं, यदि कुछ पद इसमें बढ़ भी जाएँ 200-400, तो इससे क्या होने वाला है? 400-500-1,000 पद पर क्या होगा आज के इस बेरोजगारी के दौर में, जहां 5,000-6,000 पद अभी बताए जा रहे थे कुछ दिन पहले ही कि रिक्त हैं। तो छात्रों का जल्दी एक धरना प्रदर्शन भी होने वाला है यूपीपीएससी पर, और हो सकता है शिक्षा निदेशालय पर भी धरना प्रदर्शन हो, तो मैं आपको अपडेट उसका जरूर दे दूंगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा कम्युनिटी पोस्ट के जरिए या टेलीग्राम पर, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में लिंक दिया गया है, या फिर जरूरत पड़ी तो अलग एक प्रॉपर वीडियो भी बना दूंगा। थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप धरने में जा सकते हैं 1-2 घंटे के लिए ही। इतना समय देने से ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जो दूर दराज के क्षेत्र के छात्र हैं जैसे गोरखपुर, बनारस या कानपुर वगैरह, लखनऊ के, वो जाएँ इलाहाबाद में और धरना में शामिल हों, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। जो आसपास के छात्र हैं जो प्रयागराज में रह रहे हैं, कोचिंग वगैरह कर रहे हैं, तो आप तो थोड़ा टाइम निकाल कर जा ही सकते हैं, आपके ही भविष्य की बात वहाँ पर हो रही है, किसी नेतागिरी के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको स्वयं वहाँ पर उपस्थित होना है, अपनी बात को रखनी है और शांति से अपने घर चले जाना है। बिल्कुल शांतिपूर्ण धरना होगा और किसी को ना 1 रुपये देना है ना कुछ और चीज़ें करनी है, सिंपली आप अपना संख्या बल दिखाइए, अपनी बात को मजबूती से रखिए, क्योंकि जो आयोग हैं ये मनमानी पर उतर आए हैं, लगातार पद घट रहे हैं। शुरुआत में कोई भी भर्ती आनी होती है तो बताया जाता है कि पद इतने खाली हैं, जो एडेड जूनियर में 5,000 बताया गया था पद खाली हैं, विज्ञापन आया 1,500 पर। सहायक अध्यापक का टीजीटी पीजीटी 2021 वाली भर्ती में 39,000 पदों का अधियाचन आया था, 24,000 पद खा गया चयन बोर्ड, सिर्फ विज्ञापन आया 15,000 पदों पर।
और टीजीटी पीजीटी 2022 में आप देख ही रहे हैं 4200 से भी कम पद हैं, 4163 पद हैं टीजीटी और पीजीटी दोनों मिलाकर। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का हाल आप देख ही रहे हैं, 63,000 पद खुद सरकार कह रही है कि हमारे पास रिक्त हैं लेकिन भर्ती नहीं देंगे। साफ साफ कह रहे हैं कि भर्ती नहीं देंगे, भर्ती देनी होती तो वो खुद बताते कि इस महीने में भर्ती आ जाएगी, ये प्रोसेस चल रहा है। भर्ती पर कोई बोलने को तैयार ही नहीं है, और जब विधानसभा में सवाल पूछा जा रहा है तो पद रिक्त हैं तो विधानसभा में तो सीधे सीधे झूठ बोल नहीं सकते हैं, तो बता रहे हैं कि 63,000 है। हालांकि पद तो 1,00,000 के आसपास खाली हैं लेकिन कम से कम 63,000 सरकार मान रही है। तो हमारे साथ बने रहें, जो भी अपडेट जानकारी निकलेगी आपको बता दिया जाएगा। और एलटी ग्रेड में इस बार प्री और मेंस भी होने वाला है, इसकी भी सूचना मिल रही है। और इस महीने अक्टूबर में विज्ञापन नहीं आ रहा है, ये भी क्लियर हो चुका है, क्योंकि अभी कुछ मामले फंसे हुए हैं। समकक्ष अर्हता वाला एक मामला कोर्ट में सुना जा रहा है जिसकी अगली डेट 11 नवंबर को लग गई है, और जो अभी अधियाचन आए हैं उसमें भी कुछ कन्फ्यूज़न हो गया है, तो उसको फिर से रीवेरीफाई कराया जा रहा है। और अर्हता के विवाद पर जो जवाब आया था शिक्षा निदेशालय से, तो पत्र आ गया है यूपीपीएससी के पास लेकिन उसमें कुछ कन्फ्यूज़न है, तो दोबारा से यूपीपीएससी ने स्पष्टीकरण मांगा है शिक्षा निदेशालय से। तो इस सब काम में तो ये महीना बीतने ही वाला है, इस महीने विज्ञापन आने की उम्मीद समाप्त हो गई। हो सकता है अगले महीने नवंबर में या फिर उसके बाद ही एलटी ग्रेड का विज्ञापन देखने को मिले, उसके बाद फिर जीएससी प्रवक्ता की भी एक भर्ती देखने को मिलेगी। जो पुरानी भर्तियां हैं एलटी ग्रेड 2018 और जीएससी प्रवक्ता 2020, उसको भी क्लियर किया जा रहा है। जिन छात्रों का नियुक्ति अटक गया था तो वो भी क्लियर होगा, तो वहाँ से भी जानकारी मिलेगी कितने पद पर नियुक्ति हुई और कितने पद रिक्त रह गए, वेटिंग वगैरह भी क्लियर किया जाएगा। तो थोड़ा सा भर्ती में डिले हो रहा है, बाकी जो भी जानकारियाँ वगैरह आएगी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।